1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर समृद्ध बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी का परचम लहरा दिया। 1764 में बक्सर के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद अंग्रेज बड़ी निर्ममता से रियासतें हड़पने लगे और पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों के अधीन होता दिखाई देने लगा। गुलामी की अनदेखी जंजीरों में बंध जाने का दर्द आम भारतवासी के साथ साथ पेशवा बाजीराव द्वितीय की आंखों से भी आक्रोश बनकर छलकने लगा। दम्भी अंग्रेज शासक समझ ही नहीं सके कि आक्रोश की दबी राख के नीचे आजादी की चिंगारी सुलग रही थी और ये चिंगारी एक वीरांगना के रूप में साहस, स्वाभिमान और देश प्रेम में लिपटी ज्वाला बनकर बस भड़कने ही वाली थी। फिरंगियों को अपनी मारक शक्ति पे बहुत घमंड है। कभी हम मराठा इन फिरंगियों को अपने बाहुबल से रौंद डाला करते थे। आज पुणे के पेशवा को बिठूर में निर्वासित जीवन जीने के लिए विवश किया जा रहा है। क्षमा श्रीमंत सरकार, विवशता के गर्भ से ही लावा फूटता है। आप देखिएगा, एक दिन इसे बिठूर से क्रांति की ज्वाला भड़केगी। हाँ मोरूपंत, ठीक कहते हो तुम, यही तो हमारा प्रयास है। तात्या, आदेश करें श्रीमंत। नाना साहेब, इस समय आप हमारे पुत्र ही नहीं बिठूर के वीर योद्धा भी हो। आदेश करें श्रीमंत सरकार। देख रहे हो, इन फिरंगियों के पास ये तोपें, गोला बारूद। हमारे पास तीर, तलवार, भाले और बर्चे हैं श्रीमंत। नाना साहब, इन हथियारों से आमने सामने का युद्ध लड़ा जाता है। ये तोप 2 मील की दूरी से भी हमारी पूरी सेना के अखच्चे उड़ा सकती है। समझे तात्या? मृत्यु के संग खेलना आप ही ने सिखाया है हमें, तो देखते हैं इस युद्ध अभ्यास में कौन विजयी होता है। फिरंगियों की वेशभूषा में हमारे बिठूर के सैनिक भी तुम्हें आगे बढ़ने से रोकेंगे, वो तुम्हें घायल भी कर सकते हैं। इन सारे व्यवधानों से जूझते हुए छावनी को नष्ट करके जो तोप पर अपना अधिकार जमा लेगा उसे ही विजेता घोषित किया जाएगा। हमारी छबीली कहां है? थरा गगन तक गूंजी जिसकी वाणी, तोड़ गुलामी की जंजीरें, आजादी है पानी। हो थर्राई है थरा गगन तक गूंजी जिसकी वाणी, तोड़ गुलामी की जंजीरें, आजादी।
पानी। विकल विवश भारत में अब है जीत किलो जलानी। भगा फिरंगी को खदेड़ कर उसने मन में ठानी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। आप समझते हैं हमें केवल धनुष बाण चलाना आता है, इसलिए आपने हमें नहीं बताया कि अरे मनु, श्रीमंत सरकार से इस प्रकार बात? नहीं नहीं मोरपंत, इसे डांटो मत। मणिकर्णिका तुम्हारी बेटी है, लेकिन हमारे लिए तो छबीली है, छबीली। नाना साहेब की तरह इसका भी हम पर पूरा अधिकार है। छबीली, हम जानते हैं तुम बहुत देर पहले से छिपकर ये सब देख रही थी, है ना? हाँ जुबा, नाना साहब ने तो हमें बुलाया नहीं, क्योंकि हम नाना साहब से अच्छी तलवार चला लेते हैं। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, हम अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। नाना साहब ठीक कह रहे हैं मनु, अब हमें तैयार रहना होगा, अब अधिक समय नहीं है हमारे पास। तो ठीक है, बातें बंद, प्रतियोगिता आरंभ करते हैं। आजुबा, ये कोई प्रतियोगिता नहीं है, हमारे भारत को बचाने का संकल्प है। इस तीर कमान से देश को बचाओगी तुम? नाना भाव, हौसला और विश्वास सबसे बड़ा हथियार होता है। क्रांतिकारी भारत को तो सब जानते हैं। लेकिन वो किस हथियार से लड़ रहे हैं ये कोई नहीं जानता। मनु, क्रांतिकारी भारत के बारे में तुम क्या जानती हो? आजुबा, हमने सुना है कि उन्होंने अकेले ही फिरंगियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ रखी है। हाँ, हाँ, यही तो हम सबके भी विचार हैं। और जब विचार संगठित हो जाते हैं तभी तो क्रांति का ज्वर उमड़ता है। अच्छा सुनो, इस रेत के नीचे आने से पहले तुम्हें इच्छावनी को नष्ट करके तोप पर अपना अधिकार पाना है, समझी? प्रतियोगिता आरंभ हो। पहले इन्हें पथरीले रास्तों से गुजरना पड़ेगा। तीरों की बरसात होगी। चलो, बाएं कंधे पर तीर लग चुका है, तो अब नियम के अनुसार वो अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तीरों के बाद इन्हें आग के गोलों का सामना करना होगा। चलाओ!
ये चढ़ाई आसान नहीं, क्योंकि इन्हें अभी पत्थरों का वापिस रहना होगा। तलवार की धार दिखाकर परास्त करना होगा और तब मिले जीवन से। गगन तक गूंजी जिसकी वाणी, तोड़ गुलामी की जंजीरे, आजादी है पानी। विकल विवश भारत में अब है जीत किलो जलानी। भगा फिरंगी को खदेड़ कर उसने मन में ठानी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। पुरस्कार नहीं, हमारा आशीर्वाद समझना। बधाई हो मोरपंत, बधाई हो। बधाई के पात्र तो आप हैं श्रीमंत सरकार, हमारी मनो तो आप ही की छत्र छाया में परवान चढ़ी। मोरपंत, इसके अतिरिक्त इसकी विलक्षण प्रतिभा को महादेव और मां मणिकर्णिका का आशीर्वाद भी प्राप्त है। फिरंगी फिर आ गए हमें डराने का प्रयास करने। संशोधन? कैसा संशोधन? यह अवार्ड रेजिडेंसी का ऑर्डर नहीं है योर एक्सीलेंसी, डायरेक्ट फोर्ट विलियम से अमेंडमेंट आए है। Mr. Smith, read it. The Peshwa has no right to meet in his own army. Only army hi nahi. Apne jo cannon khareedi hai, ab wo hamari position mein rahegi. Peter will be under the protection of East India Company.
It means Bitur ka Law and Order Company ke under mein rahega. Aapko protection bhi to dena hai na. Aur kisano se lagan hum vasool karega. Aur us tax ka ek gyava hisa aapko bhi milega. Is it clear? दादे गुरु, ये हमारे आजूबा को क्यों आदेश दे रहा है? और देखिए तो, बाबा के साथ साथ आजूबा भी चुपचाप सुन रहे हैं। चुप करो मनु, अच्छी हो तुम, जिसकी वजह से श्रीमान सरकार चुप है। अन्याय है ये। ये कौन होते हैं हमारे आजूबा को धमकी देने वाले? ए लड़की, क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, कुछ नहीं। बच्ची, इसे इस राज दरबार के नियम कानून पता नहीं। मनु, जाओ यहां से। जाओ। ये भारत हमारा है। स्टॉप! क्या कहा तुमने अभी? फिर से रिपीट करो जरा। हमने ये कहा कि बिठूर ही नहीं, पूरा भारत हमारा है। हमें क्या करना है और क्या नहीं, इसका निर्णय हम हिंदुस्तानी लेंगे। आप कौन होते हो हमारे आजूबा को आदेश देने वाले? What? कौन हो तुम? मणिकर्णी का नाम है मेरा। तुम्हें किसने कहा कि पूरा भारत तुम्हारा है? हमारा है। से मिलता है और आपका नहीं ना। हम इस मिट्टी में पले हैं, ये धरती हमारी मां है। How dare you, Captain Manson? ये हमारे मंत्री मोरपंच जी की बेटी है, थोड़ी भावुक है। ये नहीं जानती कि आप कौन हैं, आपकी हैसियत क्या है और आपसे कैसा व्यवहार करना चाहिए। तात्या, श्रीमंत, ले जाओ इसे। स्टॉप। ओके योर एक्सीलेंसी, आई थिंक यू आर राइट, बट इस पुअर गर्ल को ये नहीं मालूम कि हम ब्रिटिशर्स है क्या। देखिए ब्रिटिशर्स का फ्लैग।
ब्रिटिशर्स का फ्लैग इस हाइट से ऊपर इंटायर वर्ल्ड में दूसरा कोई फ्लैग नहीं लग सकता, बिकॉज द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये बात तो हम सबको समझनी चाहिए। ऑफ कोर्स, इंडिया का हर स्टेट में हमारा लॉ एंड ऑर्डर माना जाता है और जानते हैं। झांसे में हमारा सीनियर कैप्टन रॉस कैसे डेवलपमेंट कर रहे हैं। झांसी से हमें क्या लेना देना? नो योर एक्सलेंसी, आपको समझना चाहिए। ईस्ट इंडिया के सब ऑफिसर मैनसन की तरह हम दिल नहीं होते। आज इस पैलेस में मेरी जगह कैप्टन रॉस होते तो He would have killed her. पॉलिश खत्म हो ही गया था साहेब। क्लीन इट। व्हाट द हेल यू ब्लडी इंडियन, मेरा शूट डर्टी कर दिया। मैं भी साफ किए देता हूं साहेब। जाहिल काइका, तुम सब साला जाहिल गवार, और तुम्हारा वो किंग भी जाहिल। हुजूर माफ कर दीजिए, मैं अभी कर देता हूं। डोंट टच मी, आउट। Relax, Ross. Relax. Just relax. Don't worry. Now that I have come, I'll put this entire state in order. Sir, Maharani Janki Bai bahar padhar chuki hai. रॉस साहेब आ गए हम। ओ वेलकम योर एक्सलेंसी, वेलकम। आपको हमें यहाँ इस तरह अचानक नहीं बुलाना चाहिए। ओके। और कम से कम हमारी गरिमा का ध्यान रखिए। झांसी की होने वाली महारानी हैं हम। योर एब्सोल्युटली राइट, बट हमारे ये कॉर्नर्स देखा किसने? सिर्फ आपने। हम तो चाहते थे कि आप झांसी के थ्रोन पे बैठी हो,
और ग्वालियर के ये रेजिडेंट भरे दरबार में आपको कॉर्निश कर रहा हूं, इसीलिए तो आपकी सहायता। नो नो योर एक्सलेंसी, आई एम डिसहार्टेड। हमने लचो को किक आउट किया, सुकुबाई की एक्टिविटीज उसके बेडरूम तक लिमिटेड कर दी, और अब चासी के थ्रोन का स्ट्रॉन्ग क्लेमेंट आपको ही बना रहे थे। बिकॉज दैट आई ट्रस्ट यू, बट भरोसा तोड़ दिया आपने। हॉस साहेब, बहुत जल्दी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं आप। विश्वास कीजिए, ये जानकी बाई आपका भरोसा कभी टूटने नहीं देगी। कैसे? झांसी का है, उत्तराधिकारी पैदा होने वाला है। होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। शिकार अभियान में विघ्न डाल दिया हमने। जी, परिवार से बढ़कर आखेट नहीं होता। हमारी महारानी कैसी? चिंताजनक दशा है महाराज, प्रसूति पीड़ा। सिर्फ तुम चाहिए रमा, सिर्फ तुम। नहीं राज, शब्द और नहीं। गंगा धर अधूरा है आपके बिना, समझिए आप। मेरे लिए ले लीजिए, सब आप ही का है। आप इस महल की दाई हैं, लेकिन एक बात अच्छे से याद रखिएगा, झांसी को उसका वारिस नहीं मिलना चाहिए। काम पूरा होने पर इससे ज्यादा इनाम दिया जाएगा। समझ लीजिए, झांसी का वारिस कभी
हुआ ही नहीं। यहाँ आपका कोई नहीं है, सबकी नजर झांसी के कंधे पर है। हम आपको कैसे समझा कि आपकी धड़कन आपसे पहले मेरा की सुन लेते हैं। छोड़िए आप ये सब, नहीं चाहिए हमें कुछ, बस ठीक हो जाइए। हमने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, अपनी रमा को एक वचन दे दीजिए। बताइए ना क्या चाहिए आपको। दूसरा विवाह कर लीजिए। दूसरा विवाह क्या कर रही है आप? इन खानदानी कंकरों पर केवल झांसी की महारानी का अधिकार है। हमारे पास जो महारानी आएंगी, आप उन्हें ये कंकर हमारी तरफ से भेंट कर दीजिएगा। झांसी को उत्तराधिकारी आप ही देंगे। बोलिए, वचन निभाएंगे? बोलिए। वचन दिया, बिछोड़ा का काम हो गया रॉस साहेब। झांसी पर सिर्फ हमारा राज होगा। इन धूर्त फिरंगियों ने पुना बंगाल तो छीन ही लिया है, अब इन षड्यंत्रकारियों के साथ मिलकर झांसी भी? नहीं नहीं हे देवा, क्या कोई नहीं झांसी को बचाने वाला? भारत हमारा है, हमें क्या करना है और क्या नहीं इसका निर्णय हम हिंदुस्तानी लेंगे। आज इस पैलेस में मेरी जगह कैप्टन रॉस होते तो he would have killed her। बाबा भोजन। भोजन के बताइए ना, भाजी कैसी बनी? वाह, बहुत ही स्वादिष्ट भाजी बनी। अच्छी लगी आपको? बस नमक थोड़ा अधिक हो गया, पहली बार अपने हाथों से भोजन बना। वही तो बड़ी बात है, नमक अधिक हो गया तो क्या हुआ, सुगंध जो है वो बिल्कुल तुम्हारी आई के हाथ से बनाई हुई भोजन जैसे। सच? हूं तो उन्हीं की बेटी ना। हां हो तो बस। बस क्या बाबा? बस तुम भी उनके जैसा धैर्य नहीं है।
दरबार में अंग्रेजी अधिकारी के सामने तुमने जो व्यवहार किया वो ठीक नहीं था बेटा। बाबा वो फिरंगी आजमों को धमकी दे रहा था, हमसे सहन ही नहीं हुआ, और वो फिरंगी दरबार में कह रहा था कि पूरे संसार में उनका झंडा सबसे ऊंचा रहता है रहता होगा, लेकिन ये धरती हमारी है, देश हमारा है, और हमारे देश में हमारा झंडा सबसे ऊंचा रहेगा, उनका नहीं। सही कह रही हो तुम बेटा, झंडा तो हमारा ही लहराना चाहिए, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी लक्ष्य धैर्य और अनुशासन से प्राप्त होता है, केवल जोश से नहीं। हाँ बाबा, धैर्य जरूरी है, पर आज जो उन फिरंगियों ने किया उसका जवाब तो उन्हें देना ही होगा। डार्लिंग, ये ग्रामोफोन इंग्लैंड से तुम्हारे लिए लाया हूँ। How sweet. What the hell? Go and catch the bloody culprit right now! Hey, stop it! What the hell? Stop it right now!
सीमा पे डरे, देश ही मान सम्मान हाँ वो देश पे जिए मरे, रूप प्रचंड करे खंड खंड की शत्रु भी का पे डरे। युद्ध कला में निपुण अचूक तलवारों का है कुमार, बिजली गिरे तिरंगी पर जब गरज के करती है हुंकार, है तलवार दामिनी दुश्मन को बस धूल चटानी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी, झांसी वाली रानी।